ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे लोकल एरिया में, कोई बस थी जिसमें कुछ सवारियां भी थी और मोस्टली उसमें स्टूडेंट्स ही इन्वॉल्व थे। तो हमने जब केस रिसीव किए तो उसमें स्टूडेंट्स ही थे, वी हैव रिसीव्ड 8 स्टूडेंट्स। सिंपल इंजरीज थी, कोई ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी किसी की नहीं थी। तो हमने इनको एडमिट किया, जो भी हमारे पास अवेलेबल ट्रीटमेंट था, जो भी फर्स्ट एड था, वी हैव प्रोवाइडेड देम, गॉट इन्वेस्टिगेटेड। तो सबकी रिपोर्ट्स विद इन नॉर्मल रेंज ही थी। हाँ, उनमें से एक स्टूडेंट था, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, तो ही वॉज रेफर्ड फॉर द नीडफुल। तो बाकी जो बच्चे थे वो सारे स्टेबल थे, उनको ट्रीटमेंट दिया एंड इवन वी हैव गॉट डिस्चार्ज देम दिस टाइम। अभी सब कुछ स्टेबल कंडीशन में सब कुछ है। जब मुझे इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई तो आई कॉन्टैक्ट टू द हायर अथॉरिटीज, देन ही गॉट इन्फॉर्म्ड टू द ऑल स्टाफ। तो उस टाइम सारे स्टाफ हमारा जो हॉस्पिटल का था वो सारा रश करके आ गया हमारे इमरजेंसी में एट अ टाइम। और हाँ, हमारी इमरजेंसी सर ने इमरजेंसी से हमारी एम्बुलेंस भी ऑन द स्पॉट पहुँचा दी, जहाँ से उन्होंने रिसीव किया पेशेंट्स को, यहाँ तक पहुँचा दिया टाइमली इंटरवेंशन। मेरा नाम शुभ्रत है, हम NIT श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, वो एक्सीडेंट हुआ। तो मैं नैप ले रहा था आगे, तो जैसे आंखें खुली, मतलब बस पूरी स्लाइड हो रखी थी, सब मेरे आंख से खून आ रहा था। और यही देखा तो सब मतलब कि रश में थे सारे, बाहर निकल रहे थे ऊपर खिड़की से जी। नहीं, एक एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस ने जल्दी डाला मतलब सभी जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनको चोट लगी हुई थी, और जल्दी एडमिट कर दिया ट्रीटमेंट।